तो भैया अगर तुम 9 से 10 की केडी रखना चाहते हो ना, और तुम चाहते हो कि तुम एक ही स्प्रे में पूरी की पूरी स्क्वाड लपेट जाओ, तो उसके लिए तुम्हें अपना एम इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो भाई इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो सभी सीक्रेट टिप्स और ट्रेनिंग ड्रिल्स शेयर करने वाला हूँ, जिससे कि आप अपना एम एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सो गाइस अगर आप लोगों को अपना एम इम्प्रूव करना है ना, तो सबसे पहले तो आपको अपनी सेंसिटिविटी से फैमिलियर होना पड़ेगा। सो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको अपनी सेंसिटिविटी से कैसे फैमिलियर होना है। तो भाई सबसे पहले जो तुम्हें सामने टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं ना, तुम्हें इनके ऊपर 1x1 करके अपना एम शिफ्ट करते जाना है, कुछ इस तरीके से। अगर तुम लोग जायरोस्कोप यूज करते हो तो तुम्हें ये चीज जायरोस्कोप से करनी है, और अगर तुम नॉन जायरो प्लेयर हो तो अपने थंब से स्क्रीन को ड्रैग कर करके तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी है। और गाइस उसके बाद तुम्हें मूवमेंट देते हुए मूविंग टारगेट्स के साथ ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे जितने भी आपको ये मूविंग टारगेट्स दिख रहे हैं, आपको इनको ट्रेस करना है, और आपको zigzag मूवमेंट देते हुए ट्रेस करना है। और भाई इन दोनों ड्रिल्स को प्रैक्टिस करने से आप अपनी सेंसिटिविटी से तो फैमिलियर हो ही जाओगे, साथ ही साथ आपका क्रॉस हेयर प्लेसमेंट भी इंप्रूव हो जाएगा। और गाइस ये चीज़ प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को अपनी हेडशॉट्स की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि भाई अगर तुम्हारा एम एनिमी के हेड पे है ना, तो भाई तुम एनिमी को बिना डैमेज लिए बहुत ही इजीली नॉक कर सकते हो। अब गाइस जैसे कि आप लोग इस क्लिप में देख सकते हो, मेरे सामने दो बंदे थे। अभी गाइस मैं पहले वाले बंदे को दो गोली बॉडी पे मारता हूँ और एक हेडशॉट मार देता हूँ, जिससे कि एनिमी बहुत इजीली नॉक हो जाता है। और भाई लास्ट वाले एनिमी को भी मैं सेम दो बॉडी और एक हेडशॉट मार देता हूँ और भाई बंदा खत्म हो जाता है। और भाई ज़्यादातर बंदे ना अपना एम एनिमी के हेड लेवल पे ना रख के चेस्ट पे या फिर एनिमी के पैरों पे रख के चलते हैं। अब गाइस इससे क्या होता है ना कि जब भी उन बंदों के सामने एनिमी आता है तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अपना एम एनिमी के हेड लेवल पे शिफ्ट करने में, या फिर भाई उनका एम चेस्ट तक ही रह जाता है, हेड लेवल तक पहुँचता ही नहीं है, जिसकी वजह से बंदे वो फाइट हार जाते हैं। सो गाइस इसके लिए आप लोगों को अपना एम हमेशा हेड लेवल पे रखना है, और उसके आप प्रैक्टिस इस जगह पे आके कर सकते हो। आपके सामने यहाँ पे जो भी चार टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं ना, आपको आपको इन टारगेट्स के हेड पे मारना है, और आपको ट्राई करना है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा हेडशॉट्स कनेक्ट हो। और आपको ये रोज़ 5 मिनट एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी है क्लासिक मैचेस खेलने से पहले, जिससे कि आपके क्लासिक मैचेस में ज़्यादा से ज़्यादा हेडशॉट्स कनेक्ट हो। और गाइस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप क्राउच करते हो ना, तो आपका एम भी आपके साथ नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से आपके हेडशॉट्स कनेक्ट नहीं होते। तो जब भी आप क्राउच करते हो ना, तो आपको अपना एम हल्का सा ऊपर की तरफ को शिफ्ट कर देना है, जिससे कि आपके हेडशॉट्स क्राउच होने के बाद भी कनेक्ट होंगे। और गाइस सेम चीज़ आपके साथ तब होती है जब आप ड्रॉप शॉट मारते हो, आपका एम एनिमी के पैरों में घुस जाता है। तो जब भी आप ड्रॉप शॉट मारते हो तब भी आपको अपना एम ऊपर की तरफ को शिफ्ट करना होता है, और अगर आप अपना एम ऊपर की तरफ को शिफ्ट नहीं करोगे तो आपके हेडशॉट्स बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होंगे। अब गाइस इससे आपका 1v1 तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पर तब क्या जब आपके सामने एक से ज्यादा एनिमीज हो और आपको एक टाइम पे 3-4 बंदों से फाइट लेनी हो। सो गाइस ऐसी सिचुएशन में ना आप लोगों को फ्लिक शॉट्स यूज करने हैं। और गाइस फ्लिक शॉट्स की प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, आपके सामने जो भी चारों टारगेट्स दिख रहे हैं, आपको फटाफट से इनके ऊपर अपना बार बार एम शिफ्ट करते जाना है। और गाइस ये इतना ज़्यादा फास्ट होना चाहिए कि भाई आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि गाइस जब भी आपके सामने मल्टीपल एनिमीज होते हैं ना, तब आपके लिए एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप ऐसे में एम करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हो ना, तो भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप वो फाइट हार जाओगे। तो अगर तुम बिगनर हो तो तुम्हें बस एक जगह पे बैठ जाना है और दूसरे टारगेट्स के ऊपर अपना एम बार बार शिफ्ट करते जाना है। स्टार्टिंग में तुम्हें अपनी स्पीड पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में तुम अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करो, क्योंकि एक्यूरेसी के बिना स्पीड का कोई सेंस ही नहीं बनता। आप कितना भी फास्ट खेल लो, पर अगर आपका एम ही सही जगह पे नहीं जा रहा, आप गोलियां ही गलत जगह पे मार रहे हो, तो भाई कोई फायदा ही नहीं है ना स्पीड का। और भाई 2 मिनट प्रैक्टिस करने के बाद आपको अपना स्कोप ऑन करके फ्लिक शॉट्स की प्रैक्टिस करनी है। और यार मुझे एक बात बताओ, मेरी गन की शैडो आ रही है, मेरे कैरेक्टर की शैडो क्यों नहीं आ रही है? भाई ये कौन सा ग्लिच है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ग्लिच हो रहा है क्या? सो गाइस इसके बाद आपको अपनी स्कोप ओपनिंग की प्रैक्टिस करनी है। अब गाइस होता क्या है ना कि जिस जगह पे हमारा एम होता है, हमारा स्कोप उससे थोड़ा सा नीचे खुलता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मेरा क्रॉस है टारगेट के बिल्कुल हेड पे है, पर लेकिन फिर भी मेरा स्कोप थोड़ा सा नीचे खुला। और भाई जब आप बैठे होते हो ना और आप खड़े होकर एनिमी को मारते हो, तब ये डिफरेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और भाई अगर आप पीक करते हो ना, तब तो ये डिफरेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अगर आपका क्रॉस एनिमी के हेड पे भी है ना, तो भी आपका एम चौक हो जाता है और आप एनिमी का नॉकडाउन नहीं कर पाते। और भाई इस चीज़ को फिक्स करने के लिए आपको ट्रेन पे जाके स्टैंडर्ड ट्रेनिंग पे जाना है, और आपको स्टार्टिंग के 4 टारगेट्स को एनेबल कर देना है, और मूवमेंट स्पीड बिल्कुल 0 कर देनी है। और स्टार्ट करने के बाद आपको इस टेबल के पीछे बैठना है और खड़े होकर आपको ये टारगेट्स को डाउन करना है। और गाइस यहाँ पे भी आपको अपनी स्पीड पे फोकस नहीं करना है, आपको बस अपने एम के ऊपर फोकस करना है। आपको फोकस करना है कि आप जितनी भी बुलेट्स मार रहे हो उसमें से ज़्यादातर बुलेट्स एनिमी के हेड पे लगें। और गाइस थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद आपको अपनी पीक्स की भी प्रैक्टिस करनी है।
और गैस आपको अलग अलग तरह के स्कोप्स के साथ भी प्रैक्टिस करनी है। और गैस 5 मिनट प्रैक्टिस करने के बाद आपको अपनी ट्रेसिंग की प्रैक्टिस करनी है। और गैस ट्रेसिंग भी दो तरह की होती है, एक होती है क्लोज रेंज ट्रेसिंग और एक होती है लॉन्ग रेंज ट्रेसिंग। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको अपनी क्लोज रेंज में ट्रेसिंग कैसे इंप्रूव करनी है, और फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपको लॉन्ग रेंज में कैसे ट्रेसिंग इंप्रूव करनी है। सो गैस सबसे पहले तुम्हें इस जगह पर आना है और यहाँ पर स्टैंडर्ड ट्रेनिंग पर जाना है, और भाई तुम्हें 20 मीटर्स वाला टारगेट ऑन कर देना है। और भाई काफ़ी सारे बंदे क्या मिस्टेक करते हैं भाई, वो मूवमेंट स्पीड 300 करके प्रैक्टिस करते हैं, जो कि तुम्हें कभी भी नहीं करनी है। तुम लोग क्या करना, अपनी हेल्थ ऑफ द टारगेट करना 170 और मूवमेंट स्पीड भी 170 कर देना, और उसके बाद हेल्थ ऑफ द टारगेट दोबारा से 100 कर देना, और उसके बाद तुम स्टार्ट कर देना। और भाई मैंने मूवमेंट स्पीड तुम्हें 170 करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि ये तुम्हारी जिगल की स्पीड के बिल्कुल बराबर होती है, तो इसलिए मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा कि तुम लोग इसको 170 पर करके प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें 300 पे करनी है तो तुम 300 पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, बट 170 पे ज़्यादा बेटर रहेगा अगर तुम्हें जिगल टू जिगल फाइट्स में एडवांटेज चाहिए तो। और उसके बाद तुम्हें बस एक जगह पर बैठ जाना है, और भाई यहाँ पर इस तरीके से तुम्हें सामने वाले टारगेट को ट्रेस करना है, और थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हें मूवमेंट के साथ फायर करते हुए इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है। और हाँ गाइस एक और चीज़, हमेशा बंदा आपसे इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होता, कभी कभी बंदा आपके बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, तो आपको क्या करना है, आपको टारगेट के थोड़ा क्लोज आना है और आपको सेम तरीके से इस टारगेट को ट्रेस करना है मूवमेंट के साथ फायर देते हुए। और यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे को कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि तुम लोग दिन में कितनी देर ट्रेनिंग करते हो। और गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि आपको लॉन्ग रेंज में किस तरीके से अपनी ट्रेसिंग इंप्रूव करनी है। ओके सो गाइस अगर आप लोगों को लॉन्ग रेंज में अपनी ट्रेसिंग इंप्रूव करनी है ना, तो सबसे पहले उसके लिए आपको अपनी रिकॉइल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और रिकॉइल की प्रैक्टिस करने के बाद आपको अपनी ट्रेसिंग की प्रैक्टिस करनी है। सो गाइस रिकॉइल की प्रैक्टिस करने के लिए आपको इस जगह पे आना है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रेनिंग पे आके आपको भाई लास्ट के 4 टारगेट्स ऑन कर देने हैं और उनकी मूवमेंट स्पीड 0 करके स्टार्ट कर देनी है। और गाइस उसके बाद आपको M4 ले लेनी है, और भाई उसमें हर तरह के स्कोप्स के साथ आपको भाई यहाँ पे रिकॉइल की प्रैक्टिस करनी है। और गाइस आपको ट्राई करना है कि आप सिर्फ 10 से 20 गोलियों में टारगेट को गिरा दो, और आपको भाई बर्स्ट मार मार के प्रैक्टिस करनी है, आपको एक कंटिन्यूस स्प्रे नहीं देना है। और भाई जब आपको फील हो कि आप रिकॉइल सही से कंट्रोल कर पा रहे हो, उसके बाद आपको यहाँ पे इसकी मूवमेंट स्पीड बढ़ा देनी है, और भाई लास्ट के 4 टारगेट्स को सिलेक्ट करके ही आपको इसको स्टार्ट कर देना है। और भाई तुम्हें हर तरह के स्कोप के साथ इस चीज को प्रैक्टिस करना है। और भाई मैंने तुम्हें जितनी भी चीज़ें इस वीडियो में बताई हैं, ये सब चीज़ें काफ़ी हैं आपका एम इम्प्रूव करने के लिए, और भाई तुम्हें कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तुम बस इन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, और भाई तुम्हारा अगर एम इम्प्रूव हो जाता है ना तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरे को अच्छा लगता है कि अगर आप लोग कमेंट करते हो और मेरे को बताते हो कि आप लोगों की गेम में इंप्रूवमेंट आई है मेरी वीडियोज़ देख के। तो भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।